पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। सपा के गढ़ में दहाड़े योगी आदित्यनाथ, लाल टोपी के काले कारनामे। कानपुर में सीएम योगी ने बढ़ाया सियासी पारा। कानपुर में तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पहुंचे थे योगी। सुरक्षा में थे 4000 जवान, चप्पे चप्पे पर स्पेशल स्नाइपर, 150 सीसीटीवी कैमरे, पीएसी और सीआरपीएफ का सख्त पहरा, 2500 से ज्यादा पुलिसकर्मी। जी, लोकसभा चुनावों की सरगर्मियों के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर एक कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे। सीएम योगी ने इस दौरान समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने 725 करोड़ रुपए की 332 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर इस मौके पर निशाना साधते हुए कहा, आज विकास के मॉडल के लिए पूरे यूपी की तारीफ होती है, लेकिन आपने 2017 से पहले सरकार को देखा है। उससे पहले प्रदेश पहचान के लिए मोहताज था, गुंडागर्दी थी, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थे, प्रदेश के अंदर कोई आना जाना नहीं चाहता था, जो नौजवान बाहर जाता था उसकी पहचान का संकट था। इस पीड़ा को प्रधानमंत्री मोदी ने समझा। 7.5 वर्ष में प्रदेश कोई लंबी दूरी तय कर ले, आज सुशासन का क्या मॉडल है, आज उत्तर प्रदेश तय करता है। सीएम योगी ने कहा कि अभी कार्यक्रम स्थल आ रहा था, मैंने वित्त मंत्री से पूछा कि आपने इस इमारत को देखा है, ये क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये लाल इमली है। सीएम योगी ने कहा, कानपुर की लाल इमली में बंद होने का कारण कांग्रेस है, ये कांग्रेस की बेईमानी और भ्रष्टाचार की एक इमारत बन चुकी है, जहां यहां के नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए लेकिन ये भ्रष्टाचार की इमारत बन चुकी है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि बड़े पैकेट के साथ लाल इमली का पुनरुत्थान किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के कारनामों से प्रदेश परिचित, इतिहास की पुनरावृत्ति कर रहे हैं, बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा पर खतरा पैदा करना इनकी पहचान है, यहाँ पर इनका दिखाने का चेहरा और है, गरीब की संपत्ति हड़प करना है, दंगे भड़काना इनका काम है। राष्ट्रपति महामहिम के दौरान इसी सीसामऊ से समाजवादी पार्टी का विधायक शहर को दंगों की आग में झोंकने की साई चशा था, वो अपने कृत्य की सजा भुगत रहा है। समाजवादी पार्टी प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करने की अवसर जाया नहीं करती। अयोध्या के अंदर सपा के चरित्र को देखा है, निषाद बेटी के साथ चरित्र का हनन करता है, सपा उसका समर्थन करती है। लखनऊ में इनका चरित्र देखा, बेटी बाइक से चल रही थी, इनके गुंडे कैसे बरसात में बेटी को गिराने का काम करते हैं। इनके नेता सदन में सद्भावना ट्रेन चलाने की बात करते हैं लेकिन बुलेट ट्रेन चलेगी। इनका तीसरा मॉडल कन्नौज में नवाब ब्रांड पहचान है, कैसे बेटियों के साथ बेशर्मी से खिलवाड़ करते हैं। इनके इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो लाल टोपी के काले कारनामे मिलेंगे। यानी सीएम योगी ने भिगो भिगो कर समाजवादी पार्टी को मारा है और लाल टोपी के काले कारनामों को उजागर कर दिया है। साथ ही बताया है कि कैसे समाजवादी पार्टी के सरकार के दौरान प्रदेश में भय का माहौल था, लेकिन आज प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। आज खुलेआम कोई भी व्यापारी प्रदेश में बड़े आराम से घूम सकता है, तब तो उसके साथ उगाही हो जाया करती थी, बदमाशों के हौसले बुलंद हुआ करते थे, माँ बेटियां सड़कों पर निकल नहीं पाती थी, लेकिन अब सब खुलकर आजाद पंछी की तरह सड़कों पर उतरते हैं। यही योगी सरकार का जादू है, यही योगी का जलवा है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, क्या आप योगी के बयान से सहमत हैं? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं।